माय स्मार्ट टिप्स एंड फैक्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए मेरी नई वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। आप देख सकते हैं बाल्टी की क्या हालत हो रही है, बहुत गंदी हो चुकी है और नीचे से भी देखिए किस टाइप के इस पे निशान पड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं आप बिना किसी केमिकल के सिर्फ नेचुरल तरीके से बाल्टी कैसे चमका सकते हैं। आज मैं जो आपको बताने जा रही हूँ उसमें आपका बिल्कुल खर्चा नहीं होने वाला है, बिल्कुल होममेड नेचुरल तरीका है और बाल्टी बिल्कुल नई जैसी चमक जाएंगी। यहाँ मैं ले रही हूँ व्हाइट विनेगर यानी सिरका, बहुत ही आसानी से किसी भी जनरल स्टोर पे या ग्रोसरी स्टोर पे आपको मिल जाएगा और ये वही सिरका है जो हम चाइनीज फूड में यूज करते हैं। आधा कप सिरका लेंगे, आधा कप मैंने सिरका लिया है। अब इसमें हम मिक्स करेंगे बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी में आधा कप बेकिंग सोडा यानी खाना सोडा, और खाना सोडा सभी के घर में होता है और बहुत ही सस्ती चीज है। ये देखिए ये खाना सोडा है, इसको हमें आधा कप ही लेना होगा लगभग इतना। इस मग में मैं इसको भी ऐड कर देती हूँ और आप देख सकते हैं कि इसमें बबल्स उठ रहे हैं, ये थोड़ी देर में सेटल हो जाएंगे। ये दोनों का रिएक्शन है और इससे बहुत बढ़िया काम होता है, बाल्टी बिल्कुल चमक जाएंगी। अब इस टाइप का आप एक पुराना टूथब्रश ले लीजिए, सभी के घर में होता है, या कोई और ब्रश ले लीजिए और इससे इस पेस्ट को मिलाइए जो हमने बेकिंग सोडा और विनेगर का बनाया है। ये देखिए और आप देख सकते हैं झाग भी सेटल हो गए हैं, बैठ गए हैं, तो बिल्कुल नेचुरल तरीका। अब हम क्या करेंगे, इस पेस्ट को पूरी बाल्टी पर हम लगाएंगे और लगभग 15 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे बाल्टी को। अगर बाल्टी आपकी बहुत ज्यादा गंदी है, उसमें बहुत टफ स्टेन है, बहुत पुराने निशान पड़े हुए हैं, तो आप आधे घंटे से एक घंटे के लिए उसको ऐसे ही छोड़ दें ये पेस्ट लगा करके। तो मैं आपको दिखाती हूँ, तो इसको किसी भी स्क्रबिंग पैड से भी लगा सकते हैं। देखिए काफी गंदा हो रहा है तो मैं यहां भी लगा देती हूँ इसी पेस्ट को। बाहर लगा करके 15 मिनट के लिए इसको इसी तरीके से हम बाल्टी को छोड़ देंगे, जिससे कि जो सॉल्यूशन हमने बनाया है वो अपना काम कर सके। अब इस बाल्टी को हम इसी तरीके से 15-20 मिनट के लिए यूं ही छोड़ देंगे और सूखने देंगे। अगर बाल्टी आपकी बहुत ज्यादा गंदी है तो आप आधा घंटा भी उसको छोड़ सकते हैं इस तरीके से, लेकिन हमने यहाँ पर किसी भी केमिकल का यूज नहीं किया है। अब जो दूसरा तरीका है वो मैं आपको बताती हूँ कि दूसरा ये तरीका है बाल्टी साफ करने का, कि आप बेकिंग सोडा इक्वल अमाउंट में और इक्वल अमाउंट में गर्म पानी दोनों बराबर मात्रा में ले लें, उसका पेस्ट बना लें गाढ़ा, और उस पेस्ट को जहां बहुत ज्यादा दाग धब्बे हैं पूरे में लगा दें बाल्टी पर और छोड़ दें उसको आधे घंटे के लिए। तो उस तरीके से भी हम बाल्टी को बिल्कुल साफ कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए मैंने यहाँ पर लिया है आधा कप गर्म पानी, गुनगुना पानी है, बहुत ज्यादा गर्म नहीं है। अब इसमें हम डालेंगे बिल्कुल ही बराबर मात्रा में आधा कप बेकिंग सोडा यानी खाना सोडा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप बेकिंग सोडा इस तरीके से, आप देख सकते हैं हल्के बबल आ रहे हैं। तो देखिए मैंने इस तरीके का पेस्ट तैयार कर लिया है और मैं पूरी बाल्टी पर इसको लगा देती हूँ। देखिए इस तरीके से पूरी बाल्टी पर मैं ये घोल जो मैंने तैयार करा है इसको लगा देती हूँ। तो ये भी बहुत ही अच्छा और नेचुरल तरीका है बाल्टी क्लीन करने का, और उसके बाद हम आधे घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे। इससे दो फायदे होंगे, बाल्टी में से एक तो स्मेल जो बन जाती है वो भी चली जाएगी, फ्रेश हो जाएगी बाल्टी और क्लीन भी हो जाएगी। इसी तरीके से मैं बाहर भी इस पेस्ट को लगा देती हूँ। तो इसी तरीके से मैं इस बाल्टी को भी 20 से आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगी और उसके बाद हम इन दोनों को क्लीन करेंगे। 20 मिनट हो गए हैं तो हम बाल्टी को क्लीन कर लेते हैं। अब इस टाइप का आप कोई भी स्कॉच ब्राइट या जो भी स्क्रबर आप लेना चाहें आप ले सकते हैं, और इससे अब हम इस बाल्टी को अच्छी तरीके से गर्म करेंगे।
देख सकते हैं कि ये कितनी जल्दी साफ हो रही है और सारा इसमें से ये कालापन निकल रहा है। ये देखिए कितनी साफ होती जा रही है बाल्टी। सिर्फ मैंने यहाँ पर बेकिंग सोडा और गर्म पानी का इस्तेमाल किया था और इसके बाद बस हम एक कोई भी लिक्विड जेल लेंगे जिससे आप बर्तन धोते हैं और उससे एक बार धो करके इसको रख देंगे। इसी तरीके से बाहर से साफ कर लेते हैं। मैं इस पर पानी डालती हूँ, इसको हम धोते हैं। और इसको हम वॉश कर देते हैं साफ पानी से। और ये देखिए बाल्टी बिल्कुल चमक गई है। और ये देखिए आप देख सकते हैं बाल्टी पे अब कोई निशान नहीं है और ये बिल्कुल चमचमा रही है। तो अब इस बाल्टी को भी इसी तरीके से क्लीन कर लेते हैं इस स्क्रब से। तो देखिए आप देख सकते हैं कि बाल्टी बिल्कुल क्लीन हो गई है। देखिए मैंने बाहर से भी इसको पूरा साफ कर लिया है। तो अब इसके ऊपर थोड़ा पानी डालते हैं और ये देखिए लग रहा है ये वही बाल्टी है। ये देखिए बाल्टी पूरी क्लीन हो चुकी है। कितनी गंदी हो रही थी ये नीचे से और ये बिल्कुल क्लीन इस मेथड से ये हो गई है। बस हम जरा सा लिक्विड जेल लेते हैं और बाल्टी में लगा देते हैं। बाल्टी बिल्कुल चमक उठी है। देखिए आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा कि ये वही बाल्टी है। कितनी ज्यादा गंदी थी और अब ये काफी बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। तो मुझे उम्मीद है आज के आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक के बटन पर क्लिक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।